नमस्कार सभी साथियों को। शिविर पंचांग 2024-25 जिसको सभी साथियों को इंतज़ार था, वो बीकानेर निदेशालय ने अभी अभी जारी किया है। आप देख सकते हो शिविर पंचांग 2024-25। तो इस संबंध में कितनी छुट्टियां है, हर महीने में कितनी छुट्टियां रहेगी, इन सभी की जानकारी, कब एग्ज़ाम होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा कब है, वार्षिक परीक्षा कब है, इन सब की जानकारी अब आपको मिल सकेगी। तो बने रही वीडियो में अंत तक, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब आप प्लानिंग भी बना सकते हो छुट्टियों का। तो आप देख सकते हो 1 जुलाई 2024 से 30 जून तक शिविर पंचांग पत्र के साथ संलग्न परीक्षित किया जा रहा है, ठीक है। सेक्शन वर्ष का इसमें सारे डिटेल है, अभी अभी डाला है, कोई फेक नहीं है। आप देख सकते हो 28/7/24 का शिविर पंचांग 2024-25, ठीक है। तो थोड़े से सामान्य निर्देश है, उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें पहला निर्देश है कि 17/24/25 दिनांक 24 जून 2024 से आरंभ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी। नियमित कक्षा शिक्षण 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगी, इसको सभी को ज्ञात है, ठीक है। दूसरा है प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 होगी, ये भी ठीक है। अब छुट्टियों की बात कर लेते हैं। तो मध्यावधि अवकाश तो रहेगा 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा मध्यावधि अवकाश, ठीक है। दिवाली की छुट्टियों को बोलते हैं मध्यावधि अवकाश। इसके अलावा जो ग्रीष्म अवकाश होगी वो इस बार 17 मई से लेकर 30 जून तक 2025 तक रहेगी। छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, पहले 23 जून तक रहती थी और इस बार 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो सर्दियों की बात करें शीतकालीन छुट्टियों को, वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा 11 दिन का। ये पहले भी था, कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया था, ये तो उतना ही है। बाकी इस प्रकार परिवर्तन ये हुआ है कि ग्रीष्म अवकाश को 30 जून तक बढ़ा दिया गया, गर्मियों में परेशानी होती थी तो अब 1 जुलाई से प्रारंभ होगा, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा या ना 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ, 1 जुलाई से 16 जुलाई प्रवेश उत्सव का रहेगा, ठीक है। शेष जो भी राज्य राष्ट्र के अवकाश रहेंगे वो तो है ही इसमें, ये बाकी के निर्देश है जो कोई खास नहीं है। मैं आपको छुट्टियों का वो बता देता हूँ, टेफ वगैरह का है ही, जुलाई अक्टूबर में है, एनीमिया का हो गया, ये आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सभी डिटेल जारी की है विद्यालय प्रबंधन के संबंध में। अक्टूबर में सारी समयावधि हो गया, वही समयावधि 1 अप्रैल 30 सितंबर तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से टाइम चेंज हो जाता है, ये 25 मिनट का सब, ये मिनट की वो टाइम टेबल होता है जो। अब हर एक महीने का कैलेंडर होता है फिक्स, कितनी छुट्टियाँ रहेगी, क्या रहेगा, उन सब की जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखो, ये रहा जुलाई का जो आपको पता है कि एक छुट्टी थी 17 जुलाई को, वो हो गया है, तो जुलाई तो लगभग कंप्लीट है। अब अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त में आपको देखो छुट्टियाँ रहेगी 9 की, है ना, आदिवासी दिवस की, 15 अगस्त का तो उत्सव है, 19 का रक्षाबंधन रहेगा और 26 की जन्माष्टमी रहेगी। तो इस प्रकार संडे के अलावा इसमें 3 छुट्टियाँ रहेगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें 9 अगस्त, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और प्रथम परख, जो प्रथम टेस्ट रहेंगे 21 से 23 अगस्त तक रहेंगे प्रथम परख, अभी अगस्त में ही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें सितंबर में, तो सितंबर में 13 का और 16 का रहेगा, तो किस चीज़ का अवकाश है, तो 13 तो है रामदेव जी हैं अंती, और 16 को है 12वां पाद, चंद्र के अनुसार है, चांद निकलेगा उसके अनुसार। तो इस महीने में अगर शनिवार को सेल ले तो 4 दिन की सितंबर में लगातार छुट्टियां ले सकते हो, ठीक है। ये सितंबर का हो गया। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में वैसे ही ज़्यादा छुट्टी आती है, टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो 2, 3, 11, 12 और वो 27 से वो छुट्टी आई शीतकालीन की, 2 को उत्सव है, 3 से नवरात्र स्थापना की छुट्टी है, 11 अक्टूबर दुर्गाष्टमी, 12 को विजयदशमी, ठीक है, और 13 का संडे, तो लगातार छुट्टी है और उसके बाद में दिवाली की छुट्टी आ जाएगी 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। 31 अक्टूबर का दिवाली आई तो दिवाली की छुट्टी आती है 10 दिन की, तो दिवाली की छुट्टी रह जाएगी। इधर भी 8, 9 शनिवार 10 संडे है। और नवंबर की बात करें तो दिवाली की छुट्टियों के साथ साथ 15 तारीख का अवकाश हो रहा है गुरु नानक जयंती का, ठीक है।
ये रहेगा। हाँ 25 और 26 सितंबर को, ये बताना भूल गया, 26 अक्टूबर को जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन रहेगा, इसकी भी छुट्टी रहती है। तो ये लगातार मध्य हो गया, इसी पहले किया गया है तो लगातार 2 दिन का अवकाश है एक्स्ट्रा, मानो इसको 2 दिन अवकाश और जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा किया आपके बार दिवाली की छुट्टियों से पहले किया है। नवंबर की छुट्टी आएगी, इसी प्रकार दिसंबर में कुछ भी छुट्टियाँ नहीं है, केवल शीतकालीन की छुट्टी आएगी 25 से लेकर 5 तक। ठीक है, 25 से लेकर स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हो। और वैसे ग्रुप में अब सभी के पास धीरे धीरे सभी के पास आ जाएगा, क्रिसमस डे के पीछे छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ फिर। और अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन है 12 से 24 दिसंबर का, वही रखा गया है। जनवरी में 6 तक तो ही छुट्टियाँ, इसके अलावा 6 तारीख गुरु नानक जयंती का अवकाश आ रहा है, तो लगातार 24 से लेकर 6 जनवरी तक ही मानो अवकाश, ये अच्छा है। और मकर संक्रांति है तो जिला के अनुसार आता है, गणतंत्र दिवस हो ही गया, ये फरवरी हो गया, इसमें 4 को और 26 को अवकाश है, 4 को देवनारायण जयंती और 26 को महाशिवरात्रि। ठीक है, ये अवकाश रहेगा। मार्च होलिका दहन दुलंडी ईद उल फितर, ये अवकाश है इस मार्च में। और अप्रैल में वार्षिक परीक्षा का आयोजन है 24 अप्रैल से 8 मई का, और महावीर जयंती, हनुमान जयंती, डॉक्टर अंबेडकर साहब, गुड फ्राइडे 29 अप्रैल का, परशुराम जयंती। तो अप्रैल में भी बहुत सारे अवकाश है, अप्रैल 2025। मई में एग्जाम हो ही जाएगी, 17 मई से छुट्टी आई जाती है। और इस प्रकार आप देख सकते हो बीजेपी सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है, 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश जारी कर दिए, ये सबसे अच्छा आप देख सकते हो, सारे ब्लैक है 30 जून तक छुट्टियां कर दी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सभी शिक्षकों के लिए। ये कैलेंडर है, इस प्रकार ये पूरा वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, धीरे धीरे सभी ग्रुप में आपके पास भी आ जाएगा, आप देख सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो छुट्टियों का, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। बाकी फरवरी में एक शैक्षिक सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, वो कब किया गया है, 1 सितंबर में अक्टूबर में होता है, एक कब का किया है, जनवरी में किया है कब है। ठीक है, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी सर, बाय।